भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को बेहद दुख है कि यूपी में महिला के साथ एक घिनौना वारदात हुई है, जिस पर योगी सरकार कड़ा संज्ञान ले रही है। कुछ लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, अगर वे दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सुविधा की राजनीति कर रही है, लेकिन इसी तरह की घटनाएं जब कांग्रेस संचालित राज्यों में हो रही हैं तो वे उन्हें नजर नहीं आ रही हैं, जो कि कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। रश्मिधर सूद ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपने आप को एक महिला नेत्री कहती हैं, वह उस समय कहां थी जब महिलाओं के ऊपर इन अन्य राज्यों में अत्याचार हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश को अलग नजरिए के साथ देखती है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहां उनको महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते हैं। नमस्कार, मैं रश्मिधर सूद, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा। बहुत दुख है एक बिटिया के जाने का। महिला मोर्चा की पूरी संवेदनाएं उस परिवार और समाज के साथ है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, कांग्रेस सिर्फ एक नाटक करती है। अगर उन्हें दर्द होता, अगर उन्हें कहीं पीड़ा होती तो वो बंगाल, बलरामपुर, यूपी को छोड़कर राजस्थान की घटनाओं के ऊपर ध्यान देती, लेकिन सिर्फ राजनीति करनी थी तो इसलिए यूपी की तरफ मुड़ गई। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपने आप को एक महिला कहती हैं, बाकी महिलाओं की सुरक्षा के समय कहां थी? क्यों उन्हें उस वक्त महिला के पीड़ित नजर नहीं आया? उन्हें क्यों नजर नहीं आया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है राजस्थान में, बंगाल में, बलरामपुर में? क्योंकि योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार कार्य बहुत अच्छा कर रही है। और मुझे गर्व है कि योगी जी ने SIT गठित की, योगी जी ने उन लोगों को निलंबित किया जिन्होंने कोताही बरती, और अब नार्को टेस्ट की बात की। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फास्ट ट्रैक में केस चलेगा। और उन जिन लोगों ने ये अत्याचार किया, अगर किया भी है तो, अगर ये किया भी है तो इस अत्याचार की उनको सजा मिलेगी। योगी जी के राज में वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जहां पर सुख समृद्धि और साम्राज्य की बात है, ना कि राजनीति की। तो आप लोगों से आग्रह है, कांग्रेस के लोगों से आग्रह है, प्रियंका वाड्रा से आग्रह है कि राजनीति ना करें बहनों के ऊपर, क्योंकि ये सब सांझी माँ बेटी होती हैं। वो किसी भी दल की हो, कहीं की भी हो, किसी भी जाति की हो, वो हमारी अपनी है। और अत्याचार करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, उसका वो सिर्फ अधर्मी होता है, और अधर्मी को सजा मिलनी ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय जो है वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए न्याय दिलाएगा, और कांग्रेस की इस तथाकथित राजनीति से देश को मुक्ति मिलेगी।